हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ का लेसन 12, हचिको द वर्ल्ड्स मोस्ट लॉयल डॉग के वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर एंड बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स से। वर्ड मीनिंग्स, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है अकीता। अकीता का मतलब क्या आता है? जापानी नस्ल का कुत्ता। जापानी नस्ल का कुत्ता। नेक्स्ट है नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या आता है? पड़ोसी। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। अ कंपनी का मतलब होता है साथ। रूटीन का मतलब होता है रोज होने वाला काम। रोज होने वाला काम। उसके बाद है रिसीव। रिसीव का मतलब, यहाँ वैसे रिसीव का मतलब कुछ चीज़ लेना भी होता है ना किसी से, पर यहाँ पे रिसीव का मतलब क्या होता है? स्वागत करना। नेक्स्ट है हेमोरेज। इसका मतलब क्या आता है? हेमोरेज का मतलब नकसीर। नकसीर भी बोल सकते हैं या फिर नस्ल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है शॉप। शॉप का मतलब क्या आता है? साफ नजर आना। शॉप का मतलब क्या आता है? साफ नजर आना। उसके बाद है बिलव्ड। बिलव्ड का मतलब क्या होता है? प्रिय। एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का मतलब होता है कर्मचारी। डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब होता है वफादार। और म्यूजियम का मतलब होता है अजायब घर। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारे वर्ड मीनिंग्स। इसके बाद हमारा जो है वो क्या है? राइट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के हमें क्या लिखने हैं? एंटोनियम्स लिखने हैं, ठीक है। एंटोनियम मतलब ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। इसमें फर्स्ट क्या है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का ऑपोजिट क्या होगा? डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट। उसके बाद है अफेक्शन। अफेक्शन का ऑपोजिट होगा डिसलाइक। यूजुअल का होगा अनयूजुअल। फॉलोड का होगा लीड। उसके बाद है लोनली। लोनली मतलब होता है अकेला। लोनली का क्या होगा? क्राउडेड, ठीक है, अकेला, उसका घिरा हुआ। उसके बाद है प्रेजेंस। प्रेजेंस का ऑपोजिट होगा एब्सेंस। नेक्स्ट है मास्टर। मास्टर का ऑपोजिट होगा सर्वेंट। मास्टर का मतलब होता है मालिक और उसका ऑपोजिट सर्वेंट। लास्ट है लॉयलिटी। लॉयलिटी का क्या होगा? डिसलॉयलिटी। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे ऑपोजिट वर्ड्स। उसके बाद क्या है? चूज द राइट आंसर एंड राइट इन द गिवन स्पेस। हमें यहाँ पे देखिए, जैसे लॉयल, डिसलॉयल, नियर अवे, ऐसे दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हचिको वॉज अ डैश। हचिको वॉज अ वेरी लॉयल या फिर डिसलॉयल डॉग। कौन सा था वो? लॉयल डॉग। नेक्स्ट है शिवाबा इज अ प्लेस नियर और अवे फ्रॉम टोक्यो। नियर, वो उसके पास थी। नेक्स्ट है यू नो ऑलवेज कम बैक ऑन द डैश ऑफ ट्रेन। कितनी ट्रेन बजे की ट्रेन पे वो वापस आता था? 3 PM। हचिको वुड वेट फॉर यू नो एट द स्टेशन। और होम वो कहाँ पे वेट करता था उसकी? स्टेशन पे, STATION। आके हचिको लेट फॉर 11 or 13 years। कितने साल जिया था वो? 11 years। तो ये क्या हो गए हमारे? चूज द राइट आंसर और उन्हें हमने स्पेस पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे क्या है? क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज हचिको, जो हचिको था वो कौन था? तेरे स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखते हैं। हचिको वॉज वेरी लॉयल एंड फेथफुल डॉग। हचिको क्या था? बहुत ही लॉयल और फेथफुल डॉग था। नेक्स्ट है व्हाट वाज हिज ब्रीड, कि वो किस ब्रीड का डॉग था, किस नस्ल का डॉग था, ठीक है। ही वॉज ए गोल्डन ब्राउन GOLDEN गोल्डन ब्राउन BROWN ब्राउन डॉग ऑफ अकीता ब्रीड। वो अकीता ब्रीड का गोल्डन ब्राउन कलर का डॉग था। नेक्स्ट है व्हेन वाज ही बॉर्न, उसका जन्म कब हुआ, ठीक है। ही बॉर्न ऑन नवंबर 10
नवंबर 10, 1923 इन अ फार्म इन जापान. वो जापान के एक फार्म में, इन जापान JAPAN, जापान के एक फार्म में नवंबर 10, 1923 में उसका बर्थ हुआ. नेक्स्ट है हु अडॉप्टेड हिम, उसे किसने अडॉप्ट किया था. प्रोफेसर प्रोफेसर हिट्सुब्रो HIDESABURO, ठीक है, अडॉप्टेड हिम. जैसे जापान में लोगों के नाम होते हैं वैसा नेम है, इसलिए हम इंडिया वालों को थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा ये. नेक्स्ट है वेयर डिड यूनो टीच, अभी जो यूनो है वो कहाँ पे पढ़ाते थे, ठीक है. ही टॉट इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ टोक्यो. वो टोक्यो के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ठीक है, ऑफ इम्पीरियल यूनिवर्सिटी, जो टोक्यो की इम्पीरियल यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसके वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे. इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, होप आपने कर लिया होगा. चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट वाज देयर रूटीन. हमने बताना है कि उनकी रूटीन क्या थी, ठीक है, वो सारा दिन कैसे क्या करते थे. चलिए स्टार्ट करते हैं. एवरी मॉर्निंग they would walk to Shibuya रेलवे स्टेशन. वो रोज क्या है, Shibuya रेलवे स्टेशन पे जाते थे, STATION. आफ्टर, उसके बाद मतलब वो जहाँ पे पढ़ाते थे वहाँ पहुँच जाते थे, ठीक है. आफ्टर फिनिशिंग द डे क्लासेस, उसके बाद अपनी डे क्लासेस ख़त्म करने के बाद ही वुड टेक ट्रेन, वहाँ फिर वो ट्रेन लेते थे बैक वापस आने के लिए. एंड रिटर्न टू स्टेशन एट 3 PM. सॉरी यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम रह गई है इसलिए मैं इसका एट 3 PM ऊपर लिख देती हूँ. स्टेशन एट 3 PM, वो 3 बजे स्टेशन पे पहुँच जाते थे, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स इसके बाद करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन टू द प्रोफेसर वन डे. एक दिन प्रोफेसर को क्या हुआ था, ठीक है. He suffered a sudden brain hemorrhage, HAMORRAGE, brain hemorrhage, and passed away. एक दिन उन्होंने सडनली क्या है, ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हचिको डू आफ्टर यूनो डेथ. जब यूनो की डेथ हो गई थी उसके बाद हचिको क्या करता था, ठीक है. हचिको फॉलोड द सेम रूटीन इवन आफ्टर यूनोज डेथ. यूनो की डेथ के बाद भी जो हचिको है वो वही रूटीन फॉलो करता था, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अडॉप्टेड हचिको आफ्टर यूनो डेड. जब यूनो की डेथ हो गई तब हचिको को किसने अडॉप्ट किया. यूनोस गार्डनर, GARDENER, गार्डनर. अभी गार्डनर का नेम क्या है, काजाबुरो, KAZABURO, कोबयाशी, KOBOYASHI, ठीक है. ये उसके गार्डनर का नेम है, अडॉप्टेड, ADOPTED, अडॉप्टेड हचिको.
तो उसका जो गार्डनर था उसने हचिको को अडॉप्ट कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु वेंट टू सी हचिको आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट हिज रूटीन। किसने उसे, कौन है जो उसे मिलने आया उसकी रूटीन के बारे में जानने के बाद? साइटो, SITO, ठीक है। साइटो कौन था? यूनो का स्टूडेंट था साइटो। वेंट टू सी हचिको आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट हिज रूटीन। जब साइतो को पता चला हचिको की रूटीन के बारे में, तब वो उसे मिलने के लिए आया। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके लेसन 12 के जो भी सब कुछ है वो कंप्लीट होता है। होप आपको समझ आ गया होगा, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।